रहमान रहीम, तमाम देखने वाले बहन भाइयों को हमारी तरफ से सलाम। और उम्मीद करता हूँ माशाल्लाह आपके भी रोज़े खैरियत से चल रहे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भी रोज़े चल रहे हैं। तो आज माशाल्लाह 14 रोज़े मुकम्मल हो गए, तो रमज़ान इस दफ़ा बहुत तेज़ी से गुज़र गया और पता भी ना चला। बहरहाल जिन्होंने रोज़े रखे हैं अल्लाह पाक उनके रोज़े कबूल करे, जिन्होंने जो दुआएं मांगी हैं इस महीने में अल्लाह पाक उनकी वो दुआएं कबूल करे रब्बिल आलमीन। और जिनकी औलादें औलाद नहीं है अल्लाह पाक उन्हें नेक और साले औलाद दे, और जिनकी औलादें हैं अल्लाह पाक उन्हें नेक और साले बनाए और सिरात मुस्तकीम पर चलने वाला बनाए, और जिनके माँ बाप हैं अल्लाह पाक उन्हें सेहत तंदुरुस्ती ईमान सलामती वाली ज़िंदगी दे, और जिनके माँ बाप नहीं हैं इस दुनिया से गुजर गए हैं तो अल्लाह पाक उनकी बेहिसाब मग़फ़रत फरमाए और जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता करे। और जिनकी जो भी परेशानियाँ हैं, जो भी तकलीफ़ें हैं अल्लाह पाक अपने शान के मुताबिक उनकी परेशानियाँ उनकी तकलीफ़ें अल्लाह पाक दूर करे। जिनकी शादियाँ हो गई हैं अल्लाह पाक उनको अपने घरों में खुश रखे आबाद रखे, और जिनकी नहीं हुई हैं अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ करे रब्बिल आलमीन। तो देखें हमारी जो इफ्तारी जो है वो तैयार हो रही है, अभी अजान में तकरीबन 15 मिनट रहते हैं। तो हम सबसे पहले जो है ना हमने मस्जिद के लिए हिस्सा निकालना है, मस्जिद को भेजना है। काटूंगा फातिमा वो बाद में काटूंगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये मस्जिद को इंशाल्लाह भेजेंगे हम। खजूर फातिमा नहीं है आज तो जी, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये मस्जिद को भेजेंगे। मस्जिद में भी रोज़ा रखते हैं, लोग आते हैं तो वहाँ पे रोज़ा इफ्तार हो जाएगा, और ये चाट भी जो है ना इसके साथ जाएगी। तो आप तमाम बहन भाइयों से यही गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई बढ़ती है। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो में हम आपके साथ, जब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह नहीं है।